और सबसे मेन रखना पड़ता है खाद का ध्यान। खाद जब जिस खेतों में ये प्रॉब्लम है आपके, चिटारे की प्रॉब्लम है आपके ना, उन खेतों में यूरिया नाइट्रोजन हो सके वो बंद ही कर दो। किसान भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम और सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि किसान न्यूज़ लगातार आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ बेहतर अपडेट आप लोगों के मतलब की अपडेट लेकर आता है, उसी दिशा में एक और कदम। और जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों लहसुन की फसल जो है वो खेतों में लगाई जा रही है, बीज तैयार हो रहा है कईयों के पास घरों में और खेतों में लगाने की तैयारियाँ हो रही है। और वैसा ही एक खेत हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी लहसुन लगने जा रहा है। और ये लोकेशन है लानाचेता, जो कि हिमाचल का माना हुआ लहसुन के लिए माना हुआ जो है वो जगह है, और खेती यहाँ पर लहसुन की काफ़ी अच्छी मानी जाती है, होती है। लेकिन यहाँ पर भी समस्याएं जो है वो लहसुन को लेकर रहती है, क्योंकि पिछले लगभग 20 से 30 सालों से यहाँ पर लहसुन लग रहा है। लगातार लहसुन लगने से कई समस्याएं भी खड़ी हुई हैं, और ये सिर्फ लानाचेता क्षेत्र में ही नहीं, हिमाचल के बाकी क्षेत्रों में भी किसानों के फसलें जो है, पिछले साल की बात करें, पंपिंग की समस्या बहुत ज़्यादा आई थी। यहाँ पर पीलापन लहसुन में जो रहता है वो एक काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। तो किस वजह से ये चीज़ें रहती है, क्या आपको उपाय करने हैं, शुरुआत से जो है वो क्या कुछ आपने सावधानियाँ बरतनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर आज ये वीडियो होने वाला है। और सबसे पहले हम यहाँ लानाचेता क्षेत्र के किसानों से बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं लहसुन के जो है फसल तैयार करने में, और इन्हीं से जानेंगे इनके पास क्या क्या समस्या रहती है उसको लेकर। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं नितेश जी IPL बायोलॉजिकल से, तो इनसे भी हम उसके सॉल्यूशन जानेंगे, क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या समस्या रहती है, और उसका समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके और आपकी फसल जो हर साल कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं उसमें जो है उसका बेहतर समाधान आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम डिंपल ठाकुर भैया। तो डिंपल भाई, आपसे हमने पहले भी काफ़ी अच्छे इंटरव्यू हमने एक दो बार किए हैं, और ये हमारा तीसरा विजिट है जी, और लहसुन की समस्या को लेकर भी हम यहाँ पे आए थे जी सर। तो क्या समस्या रहती है, आप अपने इलाके की फिलहाल बात कहें। सर लहसुन की हर साल, इस साल थोड़ी कम, अगले साल और बढ़ बढ़ के अब तो ऐसी होगी जे जिस बंदे के 300 कट्टा लहसुन का था सर, इस टाइम उस बंदे के पास 100 कट्टा लहसुन का नहीं हो पा रहा जी। जी सर, तो अब इस के कारण पता नहीं अब मिट्टी खराब होगी या दवाइयाँ भी कोई असर नहीं करी जनाब, अलग अलग कंपनी की दवाइयाँ डाल रही, जैसे जिस तरह से कई कंपनी आ गई वो करो भाई, वो वाली दवाइयाँ डालो, वो वाली दवाइयाँ डालो, हर ऐसी कोई दवाई नहीं जो हमने यूज नहीं कर दी जनाब, पर किसी भी दवाई का कोई अभी तक हमारे को तो कोई असर दिखा नहीं जनाब। जी सर। चलिए सर, शुभ नाम आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, कितने सालों से लहसुन लगा रहे हैं? बहुत साल से होगी, 10-15 साल हो गए जी। और लहसुन में क्या समस्या आ रही है और कितने टाइम से आ रही है? लहसुन में कम से कम 2-3 सालों से लहसुन में ऐसी बीमारी आ रही है कि इसका कोई है नहीं है, पता लग रहा है मेरे को कि मतलब शुरू से तो अच्छी चलता है और बाद में फिर इसमें डिफेक्ट आ जाता है, पीलापन आ जाता है और इसमें फिर पीलापन सड़न जैसा रोग आ जाता है। और आजकल तो फिर ऐसा हो रहा कि हमारे पास जो लहसुन है ना बढ़िया पहले होता है, खत्म हो जाता है, फिर उसे जड़ सूख जाती है, जड़ के पास फिर मुरझा जाता है। ये बीमारी ऐसी भी है जनाब, जो लहसुन इन बीमारियों से बच भी गया ना, बाद में जब अब अगस्त टाइम में लहसुन देंगे ना, तो उस लहसुन में जैसे 100 कट्टा था, 100 में उसमें 30 कट्टा वो भी खिल रहा, फिर वो भी खराब हो रहा जनाब। जी सर, जिसमें एक वो भी दिक्कत है जी। शुभ नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम सर रजनीश ठाकुर है। रजनीश भाई, आपको बताएंगे लहसुन को लेकर आपको क्या समस्या रहती है? सर सबसे पहले मैं किसान न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आप हमारे पास आए और हम इस न्यूज़ और इस चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे। सर हमारे को लहसुन लगा के कम से कम 15-18 साल हो चुके हैं, और ये परेशानी जो हमारे को जो ये परेशानी और जो दिक्कत आ रही है, ये कम से कम सर हमारे को 4 साल हो गए हैं। ये जो अभी किस्म किस्म के प्रोडक्ट देते हैं सर, कंपनी वाले आते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं कि ये दवाई डाली, वो दवाई डाली, अभी तक किसी का कोई रिजल्ट नहीं आया सर। अब ऐसा है सर, जहाँ हमारा 100 कट्टा लहसुन का होता था, 6 और 8 के कुंटल के बीच हम लहसुन लगाते हैं, वहाँ हमारा सर 50 और 60 कट्टा हो रहा है। और क्वालिटी में भी फ़र्क होगा? क्वालिटी में सर बहुत फ़र्क हो रहा है, एक ज़िम्मेदार कम से कम लगता है कि 1,80,000 एक लाख तक सीड लेते हैं सर जी। बहुत महंगा सीड है, 130 मार्केट में, 130 और 140 के बीच ये रेट जो हमें लेना खरीद होती है सर, ये बहुत महंगी है जी। और अभी तक हमारा मतलब कोई जितनी भी हमने दवाई डाली अब तक हमें कोई ऐसा नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया सर। नहीं आया किसी का भी नहीं, नहीं सर। और कहीं ना कहीं लहसुन लगना भी अब काफ़ी कम हो चुका है सर। जैसे हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जैसा 6 कुंटल लहसुन लगाते थे सर, वो अब 3 और 4 कुंटल आया, जो 4 कुंटल लगाता था वो 1 कुंटल पे आया है सर।
बहुत कम एवरेज घट गई जी। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम धर्मपाल ठाकुर है जी। जी ठाकुर साहब, कितनी कम फसल जो है वो प्रोडक्शन अब लहसुन की आती है? आप जो अगर एक क्विंटल बीज लगाते हैं, पहले क्या प्रोडक्शन उसकी आती थी और अब क्या आ रही? अब तो 30-40% के करीब है लगभग जी। और मेन तो हमारे जड़ों की है, जड़ें खराब हो जाती है फिर लहसुन खिलना शुरू हो जाता है शुरू से ही जी, और बाद में तो बहुत ख़त्म ही हो जाता है, बहुत कम बह जाती है जी। और बाद में जो तैयार है और ग्रेडिंग के समय उसमें पंपिंग सिस्टम हो जाता है जी। तो इसकी जगह क्या फसलें लगानी शुरू कर दी हैं यहाँ के किसानों ने? अब क्या लगाए जी, अब ऐसे दूसरी फसलों में तो इतना बेनिफिट है नहीं जो लहसुन है, लहसुन की ये तो कोई नहीं फसल नहीं कर सकती भरपाई ना जी। और अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा, 10-20 हज़ार की फसल होगी तो उससे क्या गुजारा होगा जी। बिल्कुल, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे सर, खर्चे पूरे नहीं होंगे। चलिए सर, शुभ नाम? दीपक ठाकुर। तो दीपक भाई, आप अपनी समस्या को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? हमारी समस्या सर है जो लहसुन की है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले लहसुन बहुत ज़्यादा लगाते थे, अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। हमारी समस्या जड़ है वो ख़त्म ही हो रही है, धीरे धीरे खेत बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लहसुन लगाते थे उससे 5-10% ही बचा हुआ है लहसुन लगाने में, बाकी तो पूरे में बाकी दूसरी फसलें लगा रहे हैं। फूल हो गया जैसे टमाटर, बीन हो गया, गोभी हो गई, ये फसलें लगानी शुरू कर दें और लहसुन से। एक समस्या मुझे लगता है शायद ये भी रहती है कि यहाँ लानाचीता क्षेत्र के किसानों ने जो है लगातार अपने खेतों में लहसुन की फसल लगवाई, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम या फिर हम बात करें रोटेशन सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, तो वो चीज़ें नहीं अपनाई गई, शायद ये वजह भी, ये भी हो सकती है। ऐसा भी है, रोटेशन में भी चला हुआ है फिर भी दिक्कत यही आ रही है, दिक्कत रोटेशन में भी यही आ रही है। अच्छा, अब ऐसे ना सर, हमारे पास कम ज़मीन है और मेहनत भी थोड़ी कम ही होती इसमें, लागत तो ठीक ही है, इनकम भी ठीक मिलती है, तभी लगाते हैं सारे में खेत में जी। अब दूसरे जो फसलें हैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ज़्यादा है, दवाइयों का खर्चा ज़्यादा है, नाउ इतनी नॉलेज है, इसकी नॉलेज भी आ चुकी है, फिर इतना इनकम नहीं होती दूसरे फसल से, तभी लगाते हैं। बात करें ना, कईयों ने पहली बार लहसुन लगाया था उसमें भी यही दिक्कत आई, पहली बार खेत में लहसुन लगाया तब भी दिक्कत यही आई। ये शायद पूरा एरिया ही इन्फेक्टेड हो चुका है, फॉल्ट है या सीड का कोई फॉल्ट होगा, मतलब इस चीज़ को कोई क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई नहीं है क्या, कोई टेस्ट सॉइल टेस्ट यहाँ से कोई भेजे हों और उसके कोई रिजल्ट आए हों? भेजे सर, भेजे हुए थे सर, उनके पास अपने डॉक्टर ब्रजेश के पास लेके थे जी सर। नोनी नहीं, वो सोलन है सर अपनी ना। अच्छा, लेब में लेके थे सर? जी सर, जी सर, लेब में लेके थे। तो पहली बार उन्होंने हमें दवाई दी थी, एक किलो का पैकेट था जनाब ना, उससे अगर एक साल कंट्रोल काफ़ी हो गई थी बीमारी। दूसरे साल बोले ये वाली दवाई, आप दूसरे साल ड्रॉपिंग सिस्टम ले जाओ, और रडार दवाई दी थी उन्होंने हमारे को ना सर, रडार, उसमें ड्रॉपिंग सिस्टम हर पौधे के ऊपर। तो 21 दिन तो मेरे खुद के सिर्फ 13.5 क्विंटल लहसुन था जनाब उस साल लगवा ना, तो 21-22 दिन लगा ड्रॉपिंग करते करते, उस साल लहसुन बच गया था। पर जब उससे अगले साल उसमें लहसुन लगाया ना, तो उसकी पैदावार उससे भी मेरे ख्याल में 70% कम होगी, बिल्कुल ही खत्म हो गया। उस साल तो बच गई थी फसल जनाब। अच्छा। जी सर, ले में ले गए थे हम अपनी पूरी मिट्टी की जांच करवाई थी हमने सोलन ना। उन्होंने क्या बताया, क्या रीज़न बताए थे उस टाइम? उन्होंने बोले कि भाई इसमें कई चीज़ बताई जनाब उन्होंने, कि भी गोबर के बारे में और मतलब बाकी में भी कमियां बताई थी और मिट्टी में भी कमी जी। उन्होंने फिर हमारे को दवाइयाँ वगैरह दी थी, बाकी हम कंपनियों को निकास दी भी, कंपनियाँ से कंपनियाँ बेचारे हर कंपनी वाले बढ़ चढ़ के काम करे, जो उनके पास प्रोडक्ट है वो दे रहे भी इससे उनको फसल पैदावार अच्छी हो या इससे हो, पर कोई भी केमिकल कोई दवाई इसके बीमारी के ऊपर असर नहीं करी जनाब। ठीक जी सर। चलिए तो चलिए, एक भाई हमारे और यहाँ पर हैं। भाई आपका नाम? वीरेंद्र मोहन जी। वीरेंद्र भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो भाइयों ने बताया, यही प्रॉब्लम है। यही है कोई अपना एक्सपीरियंस आपका इस फसल को लेकर? एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है जनाब, स्टार्टिंग में बढ़िया जमता है, अब जब अभी लगाएंगे हम तो 1-1.5 महीने बढ़िया चलेगा, बस सर्दी आई नहीं रही उसी टाइम वो पीलापन और जड़ों की बीमारी जी, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। बहुत दुखता है जब आप फसल आधी तैयार हो जाती है और पता चलता है ये फसल कहीं ना कहीं अब खराब होने के बाद, खराब खर्चा करने के बाद फसल खराब हो जाती है जी। जी अब तो लोगों ने लगाना छोड़ दिया जी, और हमारी मेन फसल है जी, मुख्य फसल है हमारी, वो इतना जल्दी हम छोड़ नहीं पा रहे इसको, फिर इसके बावजूद नहीं, वो लालच तो होता ही है क्योंकि सबसे अच्छी कमाई इस फसल से आपकी है, तो इसका लालच होगा कि यही फसल अगर आपकी सर्वाइव कर जाए किसी तरीके से तो आपको जो है जिस तरह से इनकम पहले हो रही थी वैसी इनकम दोबारा शुरू हो जाएगी। तो ये फसल ऐसी भी है ना हमारे, इस फसल में जैसे वो किसान है तो सुख दुख में आने जाने के लिए इस फसल से हमारे को समय मिल जाता था। अब जैसे हम फूल लगाएंगे या बगीचा तैयार करते जनाब, उस फसलों में हम कहीं सुख दुख में जा नहीं सकते। बिल्कुल, लहसुन एक ऐसी फसल थी
भी सिंचाई कर दी, गुड़ाई कर दी, दो चार दिन के सुख दुख में रिश्तेदार में यार दोस्त में जाना है तो इंसान के पास समय था, जा सकता था। अब जो दूसरी फसल है जना, वो फूल भी लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे और सेब भी लगाना शुरू कर दिया, पर इन फसलों में से जनाब ये लेबर खर्चा भी ज्यादा है और इंसान बाउंड होकर कहीं जा नहीं पाएगा इस फसलों को लगा। जंगल जानवर जी सर बचाना पड़ेगा। ये फसल ऐसी फसल थी, इस फसल में इंसान के पास थोड़ा वक्त आने जाने में समय मिल जाता था जी सर। चलिए सर, आपकी सारी समस्याएं जो है वो हमारे नितेश भाई जो है IPL बायोलॉजिकल से इन्होंने सुन ही ली हैं। तो नितेश भाई आपने पूरी तरह से समझ लिया है, आप खुद इसी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा गहराई से भी समझते हैं इस चीज़ को, और सबसे बड़ी बात है कंपनी के थ्रू आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलती भी है इन बातों को लेकर। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको समझाना और बताना भी आसान रहेगा क्योंकि आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो बताएं इस सारे मुद्दों पर आपकी अपनी क्या राय है और क्या आप मेथड सजेस्ट करेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए फसल लगाने से लेकर उसके पैदावार निकलने तक। सबसे पहले तो किसान न्यूज़ का धन्यवाद जो यहाँ आते हैं, हमारे किसान भाइयों की फसलें देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन देते हैं। और जो ये प्रॉब्लम है ये मैंने यहाँ नहीं, पूरे हिमाचल में जहाँ भी लहसुन लगता है ये बीमारी सबसे ज़्यादा आई हुई है। ये जो बीमारी है जैसे हमारे भाइयों ने कहा कि ये बीमारी ऐसे, इन्होंने अलग अलग लक्षण बताए इसके, ये डिजीज आ रही है तो ये बीमारी बोलते हैं। जैसे कंपनी वाले बोला आपने, जैसे कंपनियों के एम्प्लॉयज आके यहाँ वर्क करके अपनी अपनी दवाई अपता के चले जाते हैं और कोई असर नहीं होता है। ये जो प्रॉब्लम है सर, इसके ऊपर हमने काफ़ी लैब में टेस्ट वगैरह किए हैं वैसे ना, ये कोई प्रॉब्लम आपके सीड, जैसे सीड में हम हाइट का सीड लाते हैं, मैक्सिमम यहाँ सीड आता है J&K से, बिल्कुल जम्मू कश्मीर, और J&K में हमारे पता क्या है, हाइट के जितना भी एरिया है वहाँ एक बैक्टीरिया होता है, वो होता है निमाटोड का बैक्टीरिया जो कि जड़े होती है किसी भी क्रॉप में, क्योंकि ऊपर से जो लहसुन हमारे यहाँ आता है, मैं खुद एक किसान ही हूँ, हम भी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जड़े होती है पूरी पूरी होती है और उसमें मिट्टी लगी हुई होती है और मिट्टी में बीमारी होती है हाइट में निमाटोड की, वो एक बैक्टीरिया है, वो एक जीवित बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे ही हम उसको खेत में लगा लेते हैं, हम लहसुन लगाते हैं अनट्रीटेड ही, टोटल लहसुन हमारा अनट्रीटेड लगता है, कोई हम दवाई नहीं डालते उसमें, जैसे हम अदरक में डाइथिन बेबिस्टिन डाल देते हैं या कोई मटर हुआ उस पर भी सॉइल ट्रीटमेंट में राइजोबियम वगैरह डाल देते हैं, लेकिन लहसुन में हमने आज तक कोई ये, और ये क्रॉप भी हमारी 6-7 महीने की होती है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी पहले ज़्यादा नहीं था, मतलब हम इसमें स्प्रे भी 1-2 करते थे और 2-3 खादें डालते थे, 3-4-5 साल 6 साल हमारे प्रोडक्शन बम्पर हुई, मतलब इसका जो ट्रेंड आया हुआ है हमारे 8-10 साल से ही लगा हुआ है और बहुत बम्पर क्रॉप रही। लेकिन एक गलती हमारी ये भी रही, जैसे बार बार हम एक ही क्रॉप इसमें रहे, रोटेशन में हमने क्रॉप नहीं लगाई, क्योंकि हम लहसुन लगाते हैं, लहसुन की जो जड़ें होती है वर्टिकुलर छोटी ही रहती है, लेकिन हम जैसे कोई दलहनी फसलें जैसे बीन बून या आपका मटर वगैरह, या अगर उस रोटेशन में मार देते हैं तो उससे भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हमारे को मिलती रहती है, ग्रोथ आती रहती है हमारी ना, तो हमारे को यूरिया वगैरह खाद डालने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किसानों को भी समझाएं। हाँ, किसानों को थोड़ा आप आ जाए सर्कल में जी। इसके लिए जैसे ही अब हमारा 2-3 साल कोई भी क्रॉप हो जाता है, रेगुलर हमारी क्रॉप पे चलती है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार हम अगर एक ही कोई भी फसल बार बार खेत में लगाते हैं तो हमारे को एक ही जैसी खादें बार बार डालनी पड़ती है, जैसा आपका शेड्यूल बन जाता है वैसे ही हम बार बार करते हैं। जैसे हमारा ट्रेंड है कि हम पहले 12-32 में डालते हैं, उसके बाद हमने ग्रोथिंग के लिए हमने यूरिया डाल देना है, और जो आपका निमाटोड जो एक बैक्टीरिया या इंसेक्ट है वो आपका बीज के साथ सोयल में आ गया है तो 1-2 साल और थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये बीमारी कोई डायरेक्ट जल्दी आने वाली नहीं है। जैसे 1-2 साल आप बोला जैसे 2 साल से हमारा ऐसे हो रहा है कि क्रॉप ही प्रोडक्शन नहीं घट रही, ये बीमारी आपके पिछले 4-5 सालों से डेवलप हो रही थी, बढ़ रही हुई थोड़ी थोड़ी इस बार कम, क्योंकि पहले क्या हुआ कि हमारा जो खेत में ना थोड़ा सा पीलापन आता था, हम फंगस की वजह से सोचते थे कि फंगस की वजह से या रस्टिंग है, तो हम स्कोर गवर्नर या कोई ऐसा टेक्निकल करके हम उसको कंट्रोल कर देते थे जी जी। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ कि बढ़ने लगी, पहले थोड़ा सा एरिया था फिर पूरा आधा खेत होने लग गया, फिर ये बीमारी वहाँ से आगे दोबारा नहीं आई, दूसरे खेत में कहीं और चटारा सा लग गया, फिर वैसे वैसे करके लास्ट में हाँ, क्योंकि ये है जीवित बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इंसेक्ट है जो, तो ये क्या करता है ये फैलता रहता है भाई। तो इसके लिए जो हम केमिकली कोई भी इलाज करते हैं, सोयल ट्रीटमेंट के लिए जो इलाज है ना, इसका हमारे को सोयल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। एक तो स्टार्टिंग है जो जब हम लहसुन लगाते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए कोई दवाई सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड के साथ उसको ट्रीट करके फिर आप उसको खेत में लगाओ,
लेकिन हमारे को सोइल ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी है इस टाइम। सोइल ट्रीटमेंट के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अगर किसी के 80% से ऊपर बीमारी है मतलब पूरा खेत ख़त्म है उसमें कुछ लग नहीं सकता, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि एक बार हमारे को H2O2 आता है एक ओलेव ग्रेड ये होता है, उससे पूरा बेनिफिशियल और नुकसानदायक बैक्टीरिया पूरे जलाने पड़ेंगे। फिर हमारे को 10 दिन खेत को रेस्ट देना पड़ेगा। 10 दिन बाद क्या करना पड़ेगा, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करने पड़ेंगे खेत में, जैसे ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास जो कि संजीवनी और फसल रक्षक के नाम से मार्केट में मिलेगी आपको ब्रांड, ठीक है। उसमें साथ में आपको निमाटोड के लिए एक आता है निमाटोफ्री वर्टिसिलियम क्रोमाइडिस, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि निमाटोड के लिए खाने वाला बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो ऐड करना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ ये आपको 25-30 किलो गोबर में मिक्स करना पड़ेगा, ब्रिक गोबर मिक्स कर दिया। जैसे ही आपने H2O2 की स्प्रे मारी, ये भी आपने मिक्स करके रख दिया और 10 दिन तक इसको तैयार करना पड़ता है। 10 दिन तक जैसे तैयार हुआ तो ये आधा आधा किलो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और 1 किलो निमाटोफ्री ये मिक्स करके पूरे खेत में छींटा मारना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, सोइल ट्रीटमेंट हो जाती है आपकी ना। और सबसे मेन रखना पड़ता है खाद का ध्यान। खाद जब जिस खेतों में ये प्रॉब्लम है आपके, चटारे की प्रॉब्लम है आपके ना, उन खेतों में यूरिया नाइट्रोजन हो सके वो बंद ही कर दो, वो बिल्कुल नहीं डालनी क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही कर देता है। और जितनी भी केमिकली खादें हैं, अगर हम सोइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारे को केमिकली खादें जो उसको जो हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया सोइल में डाल रहे हैं सोइल ट्रीटमेंट करने के लिए ना, तो उस टाइम वो कम करनी पड़ती है जो उसको नुकसान ना हो आपके जो आपने सोइल ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाले। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 साल रेगुलर करना पड़ेगा क्योंकि बीमारी आते वक्त भी टाइम लगता है और जाते वक्त भी टाइम लगता है। भाई कोई ऐसी दवाई नहीं जैसे अब ये तो लंबा पीरियड होगा ना फिर बहुत ज़्यादा। देखो शॉर्टकट को शॉर्टकट आपने काफ़ी यूज कर लिया, आप बोलते हैं हमने हर कंपनी की दवाई। अब जो पिछले साल एक दवाई आई थी क्या नाम उसका मेरे पास, वो सर उससे पिछले साल सोइल ट्रीटमेंट की दवाई नहीं है। अच्छी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको एवरगोल्ड है फसल निकल जाएगी पर मिट्टी नहीं, नहीं वो सोइल ट्रीटमेंट की नहीं है, वो सीड ट्रीटमेंट की है। सीड जो सोइल ट्रीटमेंट होता ना सर, इन्होंने काफ़ी कॉस्टली दवाइयाँ खरीद ली है यूज कर ली है, वो है आपका इंस्टेंटली रिजल्ट वाली। लेकिन हाँ इनका जो प्रॉब्लम है ना इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म का है और इसका सोल्यूशन भी नहीं है, इसका कंट्रोल है ओनली, कंट्रोल ठीक है। अगर ये 3 साल ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और निमाटोफ्री मिक्स करके 25 किलो गोबर में आधा आधा किलो डाल देते हैं और सोइल ट्रीटमेंट करते हैं तो 3 साल तक आपका इलाज होगा। और 3 साल अगर इससे 3 साल हाँ जी 3 साल मतलब साल में एक बार, साल में एक बार फसल लगाने से पहले, ठीक है। अगर साल में आप 2 बार भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ना, लेकिन इसकी लहसुन की फसल हमारी लंबी होती है तो एक बार ही हम यूज कर सकते हैं। उसमें उतने में थोड़ा रेस्ट भी चाहिए जमीन को 6-7 महीने का ना, तो नेक्स्ट क्रॉप एकदम तो लगाओगे नहीं अपना। साल में एक बार मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब एक बीघे पे हमारा खर्चा है 400 रुपए आपका ट्राइकोसुड होगा और हमारी मिट्टी में जान रहेगी, मतलब मिट्टी हमारी जैसे हमारी पहले की उस तरह से रिकवर हो जाएगी मिट्टी। देखो पहले जो हमारे होते थे ना, पहले मैं बताता हूँ आपका जो गोबर होता था जैसे मान लो बान का ही होता था हर चीज़ होता था, तो उसमें क्या होता था कि ट्राइकोडर्मा जो हम आपसे डलवा रहे वो पहले वाला बैक्टीरिया ही है, जैसे हमारी जमीन पहले थी वैसे ही हमने जमीन दोबारा बढ़ानी है अपनी। ये कोई केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल चीज़ होती है। ये क्या होता है कि जो पुराने टाइप का जो बैक्टीरिया होता था ना बेनिफिशियल बैक्टीरिया, पहले क्या होता था कि नुकसानदायक बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया इक्वल जब जमीन में होते ना तो कोई मूवमेंट नहीं होती जमीन की, बढ़िया फसलें चलती रहती है आपके। ये क्या करता है जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है नुकसानदायक बैक्टीरिया को खा जाता है तो उसकी क्वांटिटी नहीं, जैसे ही क्या होता है कि हम यूरिया डालते हैं तो हमारा क्या होता है कि अच्छी चीज़ों पे जल्दी असर होता है बुरी चीज़ें मरती नहीं है, तो वैसे ही हमारा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो डेड हो जाते हैं और नुकसानदायक बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। उसमें ऊपर से हमने जैसे J&K से हमने निमाटोड का इंसेक्ट ला दिया है तो उससे क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा फैल गई एकदम बीमारी हमारे, जितनी वो ज़्यादा फैलेगी उतनी है। अब केमिकल क्या होता है, ठीक है केमिकल आप डालोगे वो कोई जिंदा चीज़ तो है नहीं, जहाँ जहाँ उसने असर करना वहीं बीमारी मरनी है, वो फैलना है नहीं आपका। और जो ये इलाज मैंने बताया आपको ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास और निमाटोफ्री का, ये आप डालोगे तो ये जीवित बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा उसको खा के अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अब एक साल में तो आपको उतना बैक्टीरिया इतना फैल गया कि एक साल में कवर तो कर नहीं पाएगा, कम से कम हमारे को 3 साल तो उसकी क्वांटिटी कम करने को लगेगा। तो उससे क्या होगा जब 3 साल में हमारी इतनी बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो जाएगी कि नुकसानदायक बैक्टीरिया को खा जाएगा ना,
तब जाके हमारी जो ये बीमारी है 7-8 साल के लिए कंट्रोल हो सकती है। पहले जैसे हम बैलों से हल लगाते थे कम से कम हमारा 7-8 इंच जाता था, आजकल ट्रैक्टर से करके 3 इंच से ज़्यादा नहीं जा रहा। पहले प्रॉपरली सोइल की कल्टीवेशन नहीं हो पा रही है, सबसे मेन मुद्दा तो यही कारण भी यही है बीमारियों का ना, प्रॉपरली सोइल की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, मतलब कल्टीवेशन नहीं हो पा रही। और दूसरी मेन बात यह है कि ना जब कल्टीवेशन नहीं होगी ना तो जो आपकी रेस्ट वाली ज़मीन होती है वो 6 इंच के नीचे होती है। कभी भी सोइल टेस्टिंग का आप सैंपल लोगे आप 6 इंच से नीचे से लेते हैं, वर्टिकुलर साइज में काट के 6 इंच नीचे से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए ऊपर आनी है, इसलिए पहले ही पता चलेगा कि क्या बीमारी है हमारी, क्या दिक्कत है। पहली तो ये है, ठीक है। दूसरी बात है, आप बोल रहे जैसे नई नई तकनीक आ रही है, हर चीज़ आ रही है जी। एक रेजिड्यू होता है, ठीक है। हमारे पहले मक्की होती थी, यही यहीं लगी है पीछे देख सकते हैं आपना, इस पे हम कोई स्प्रे नहीं करते थे, ऐसे ही है सब कुछ, ठीक है। ठीक है, लोगों ने जैसा एनवायरनमेंट हो रहा है, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, बारिश हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो इसकी वजह से हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें DBM लगता है, एक कीड़ा होता है हरे कलर का ना, वो पत्ता अमेरिकन सुंडी टाइप बोलते हैं उसको ना, सुंडी बोलते हैं उसको ना। अब देखो वो पिछले साल से ही बीमारी आई है, अब वो किसी ने रखे तो की नहीं, या कुछ कुछ तो एनवायरनमेंट में चेंजिंग होते हैं ना बीमारियाँ, और ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे हम टीलर से बाना शुरू कर रहे हैं ना, हाँ जी बैल नहीं रख रहे। चलिए नितेश, थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक रहे हैं शायद, थोड़ा सा उस पर आते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बहुत हो चुका है। हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा किसान भाइयों को, यहाँ के भी और सभी को भी ना, कि सीड ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, किसी चीज़ से भी करो, कोई भी आपने केमिकल रखे कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी सोइल की ट्रीटमेंट ज़रूरी करो। सोइल ट्रीटमेंट के लिए आपको ट्राइकोडर्मा 1/2 kg, 1/2 kg आपका सुटोमोनास फ्लोरेंस और 1 kg निमाटोफ्री, ठीक है। ये आपका 1 बीघे का मतलब प्रोडक्ट है, 1/2 kg, 1/2 kg, 1 kg। इसको आप 25 किलो गोबर में मिक्स करके लगाने से पहले 2 दिन पहले आप खेत में छिड़काव करो, 2 दिन उसको रेस्ट दो, इसको 25 किलो गोबर में मिक्स करो, 25 किलो नहीं जितनी आप क्वांटिटी पुका सकते हो उसमें डालो, चाहे 100 किलो हो चाहे 150 किलो गोबर आप ले सकते हो, उसको मिक्स करके उसमें छिड़काव करो और 3 साल तक रेगुलर करो। बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही हमारे को इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा जो सोइल का ये वो सुधार आएगा। सीड जब लग जाएगा, जैसे अभी लग भी रहा है, कई जो लगा चुके हैं वो ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो बाद के लिए सर हम इसीलिए पिछली बार भी जो हमने वीडियो बनाई थी हमने लेट हो गए थे, इस बार हम पहले ही आ गए। मैक्सिमम एरिया में सीड जो है ना, जो लो हाइट का एरिया है, अब शुरुआत है, 2-4 दिन के बाद से सीड लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनको इस टाइम ये सोइल ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर किसी ने लगा दिया है उसके बाद हम उसकी ट्रेंचिंग कर सकते हैं, हमारे को सिर्फ बेनिफिशियल बैक्टीरिया सोइल में ऐड करना, और चाहे बाद में करें चाहे अगर जो सोइल में अभी करेंगे, अभी हम पूरे खेत में कल्टीवेशन कर सकते हैं, बाद में हमारे को उतना पौधे के पास या कुछ होगा, फिर मिट्टी जो हम दोबारा क्या बोलते हैं गुड़ाई करेंगे दोबारा आ जाएगी, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिर वैसे को थोड़ा सा ये हो जाता है, बाकी बाद में भी ऐड कर सकते हैं हम इसको। अच्छा नितेश, बाकी एक मेन बात है कि जो खाद है, खाद का मेन ध्यान रखना पड़ता है। खाद ऐसी डालो जिसमें सल्फर प्लस आयरन क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्योंकि सल्फर भी फंगस के लिए बेनिफिशियल होता है, जो फंगल सोइल बोर्न डिजीज आती है फंगल के लिए, अगर सल्फर डाल दे तो बेटर रहता है। सल्फर प्लस आयरन से आपका एक तो खिलता है, पंपिंग आती है जैसे ये बोल रहे थे, तो पंपिंग और खिलने की समस्या भी दूर हो जाएगी। बाकी इसमें सीविड टाइप वाली खादें आती है जो आपके ना, उस टाइप की खादें आप अगर ऐड कर सको तो बेटर है। हाँ जी नितेश भाई, दूसरा जब आपका जो बीज लगता है लहसुन का, उसमें जब वो अंकुरित होता है, हाँ जी सर, तो पत्तियाँ जब ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं, उस दौरान कोई खास विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता? जो हमारे गार्लिक क्रॉप है ये बहुत हार्ड होती है, ये जर्मिनेशन में भी इसमें कोई इशू नहीं आता, और जो जब पत्तियाँ बाहर निकलती है उसके बाद हमारा कोई इशू नहीं आता है, उस टाइम कोई इशू नहीं है, वो अपनी इच्छा है, उस टाइम हम गोबर डाल देते हैं, कोई ये नहीं है, सब लोग ही मैक्सिमम गोबर ही डाल देते हैं। ठीक है, हाँ उस टाइम तो वही करते हैं। चलिए, मतलब और कोई खास बात करने को नहीं रही है इसमें? खास बात यही है बस, जो आप केमिकल का यूज है वो सिस्टम से पूछ के गाइडलाइन लेके करें, और जो सॉइल ट्रीटमेंट है वो जरूरी करें। चल
तो बहुत बहुत शुक्रिया नितेश भाई और बाकी सारे किसान भाई। मुझे लगता है काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कशन यहाँ पर रहा, किसानों ने अपने मन की बात यहाँ पर कही, किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या कुछ चीज़ें रहती हैं, और नितेश भाई ने हमें जो IPL बायोलॉजिकल से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी कि किस तरीके से जो है वो चलना चाहिए। हालाँकि मेथड जो है वो सभी के अलग अलग होते हैं, किसी कंपनी का मेथड कुछ, किसी का कुछ, क्योंकि कुछ केमिकल पर ज़्यादा फोकस करती है, कुछ जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट जो उतारती है उन पर भरोसा करती है। तो वो मेथड कौन सा आपको रखना है वो आपको देखना है किसान भाइयों। और फिलहाल केमिकल को लेकर ज़्यादा कुछ विशेष चर्चा हमने नहीं की है, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स की बात हमारे भाई किसान भाई कर रहे थे उनको लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट है वो नहीं है, तो इसीलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन जो है वो यहाँ पर किसान भाइयों के बीच में और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के बीच में रही, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी जानकारी मिली हो। वीडियो शेयर कीजिएगा और आपके जो मन में सवाल अगर होंगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा, हम उस पर भी आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।